हेलो गाइस, मैं प्रियंका, आपका मेरी किचन में स्वागत है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम मिल्क केक बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है। घर की चीज़ों से, बची हुई चीज़ों से आज हम आपको मिल्क केक बना के दिखाएंगे। बहुत टेस्टी बन के तैयार होता है। इस तरीके से चीज़ें बच जा रही हैं तो आप फेंकिए बिल्कुल नहीं। इस तरीके से आप मिल्क केक बनाइए। आपको हम चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, मिल्क केक बनाना शुरू करते हैं। देखिए, हमने जो ये मिल्क केक बनाया है आप देख सकते हैं, हम आपको दिखाते हैं कितने मतलब रसीले हैं ये। हम तोड़ के भी दिखाते हैं, देखिए बहुत ही टेस्टी बनके ये तैयार हुए हैं। इस तरीके से आज हम आपको मिल्क केक बना के दिखाएंगे। चलिए मिल्क केक बनाना शुरू करते हैं। देखिए, हमने ये रोटी ले लिया है, हमने ये तीन रोटी बची हुई थी, तो आज हम इसकी मिठाई बनाएंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। जो मिठाई बनाएगी मन को भाए, हम उस तरीके से आपको बहुत ही बेहतरीन और टेस्टी मिठाई बना के दिखाएंगे। देखिए, हमें ये तीन रोटी हमने ले लिया है, बच गया था। अब इसे हमें क्या करना है, रोटी को पहले छोटा छोटा हम तोड़ देंगे रोटी को, ठीक है। ऐसे हम रोटी को तोड़ लेते हैं, छोटा छोटा हमें रोटी को तोड़ के तैयार कर लेना है पहले। देखिए, ऐसे ही हम रोटी को तोड़ के तैयार कर लेंगे। देखिए, हमने सारी रोटियों को हमने तोड़ दिया है, ठीक है। अब इसे हम क्या करेंगे, रोटी को हम पाउडर तैयार कर लेंगे। हमने मिक्सर जार ले लिया है, ठीक है। अब इसमें हम डाल देते हैं, मिक्सर जार में डाल के इसका हम पाउडर तैयार करेंगे। देखिए, हमने इसे डाल दिया, अब इसका हम पाउडर तैयार कर लेते हैं। देखिए, हमने चूल्हे पे कढ़ाई रख दी है हमने पहले से गर्म होने के लिए, और देखिए हमने जो ये पाउडर तैयार कर लिया है, आप देख सकते हैं हमने कैसे पाउडर तैयार कर लिया है। अच्छे से इसे हम साफ करके ले लेते हैं मिक्सर जार से। बहुत ही टेस्टी मिठाई बन के तैयार होगी इस तरीके से। देखिए, अब इसे हमें चलाते हुए अच्छे से हमें घूमना है। देखिए, हमें इसे लगातार चलाते हुए इसे घूमना है अच्छे से। देखिए, हम चूल्हे का पॉइंट थोड़ा बढ़ा देते हैं, हमें इसे लगातार चलाते हुए घूम के तैयार करना है। अब इसमें हम घी डाल देते हैं। घी डाल देने से मिठाई का जो स्वाद है एकदम दानेदार बन के बहुत ही मतलब परफेक्ट बर्फी तैयार होगी इस रोटी का। देखिए, हमने घी तो डाल दिया है, अब इसे हमें अच्छे से ऐसे ही चलाते हुए इसे भून के तैयार करना है। हमने एक चम्मच इसमें घी यूज़ किया, इससे ज़्यादा हमें नहीं डालना है। अब इसे हम लगातार चलाते हुए अच्छे से भून के इसे तैयार करेंगे। बहुत ही टेस्टी मिठाई बन के तैयार होगी, एकदम से मिल्क केक के जैसे। देखिए, ऐसे ही लगातार हम इसे तैयार करेंगे। देखने पे आपको ये नहीं लगेगा कि आपने बगैर दूध का मिल्क केक बनाया है। रोटी से मतलब इतना शानदार ये मिठाई बनके तैयार होती है, एकदम सेम मिल्क केक के जैसे। देखिए, ऐसे हमें इसे भून लेना है रोटियों को। रोटी वैसे हमने इसे पका के तैयार किया था अच्छे से, ज़्यादा हमें सूखा तो नहीं किया था, लेकिन देखिए दानेदार मिल्क केक हम बनाएंगे रोटी से। ऐसे ही चलाते हुए अच्छे से हमें इसे भून के तैयार कर लेना है। बहुत ही टेस्टी मिठाई बनके तैयार होगी रोटी की। देखिए, ऐसे हमें चलाते हुए भून के इसे तैयार करना है। देखिए, इसे हम 5 मिनट भूनेंगे, इससे ज़्यादा हमें नहीं भूनना है। बहुत ही टेस्टी मिठाई तैयार होगी। आप इस तरीके से आप मिठाई बना लें, किसी को यकीन नहीं होगा कि आपने रोटी से इतनी टेस्टी मिठाई बना के आपने तैयार किया है। होली स्पेशल हम मिठाई बना रहे हैं। देखिए, इस तरीके से हम इसे अच्छे से भून के तैयार कर लेंगे। देखिए, ये भून के तैयार हो चुका है। अब इसे हम साइड में हटा लेते हैं, हम आगे की तैयारी करते हैं। देखिए, हमने ये भगोना ले रखा है और हमने एक इसमें गुड़ हमने डाल दिया है। अब इसमें हम डालेंगे दूध। हमने 1 गिलास दूध, आज हम आपको 1 गिलास दूध से मिठाई बना के दिखाएंगे कि कितनी बेहतरीन और टेस्टी मिठाई बनके तैयार होती है। अब इसे दूध को हमें अच्छे से गला के तैयार करना है। गुड़ को हमें दूध में अच्छे से गला के तैयार कर लेना। इसे चलाते हुए हम इसे तैयार करेंगे कि गुड़ जो है अच्छे से गल जाएगा तो हम इसे छान लेंगे, क्योंकि उसमें कचरा वगैरह जो होगा वो अच्छे से निकल जाएगा। देखिए, ऐसे हमें इसे अच्छे से गला के तैयार कर लेना है। इसमें दाने नहीं होने चाहिए बिल्कुल।
गुड़ अच्छे से गल जाएगा, केवल गुड़ से, गुड़ डाल के हम मिठाई, बगैर चीनी का हम गुड़ डाल के मिठाई बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी मिठाई बनके तैयार होती है इस तरीके से। देखिए अब हमें गुड़ को अच्छे से गला लेना है। गुड़ जो है नुकसान नहीं करता, इसलिए ज़्यादातर गुड़ ही यूज़ करें तो ज़्यादा सही रहता है, लेकिन बच्चों को जो है गुड़ पसंद नहीं है, इसलिए हम ज़्यादातर चीनी यूज़ करते हैं। देखिए आज हम गुड़ से बना रहे हैं, बहुत ही टेस्टी मिठाई बनके तैयार होगी। देखिए अच्छे से हमें इसे चलाते हुए गुड़ को गला लेना है। अब इस समय हम इसमें इलायची डाल देते हैं, दो हम इलायची इसमें डाल देते हैं, जो स्वाद है इलायची मतलब दूध के साथ वो चली जाएगी। देखिए हम दो इलायची इसमें खोल के हम डाल देंगे। देखिए बहुत अच्छे से जो ये गुड़ है गल चुके हैं, छोटे छोटे थोड़े पड़े हैं, लेकिन इसे हम चलाते हुए गुड़ को गला लेंगे। गुड़ को गला लेना है। देखिए जो गुड़ हमने दूध वाला मतलब गुड़ जो तैयार किया है, अब इसे हम छान लेते हैं। अब इसको हम छान के डालेंगे, जो भी कचरा वगैरह होगा वो अच्छे से निकल जाएगा। देखिए अब देख सकते हैं कितने ज्यादा कचड़े निकले हैं। अब इसे हम साइड में कर देते हैं और इसमें हम डालेंगे छेना। हमने छेना तैयार करके रखा है पहले से। अब देखिए हमने इसे डाल दिया है, अब अच्छे से इसे हमें सूखा करना है। ठीक है, बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होगी ये मिठाई। देखिए हमने ये छेना ले रखा है, हम छेने में से डाल देते हैं इसमें। हमने छेने को मसल के रखा हुआ था, इसलिए मसलने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। बहुत ही टेस्टी मिठाई बनके तैयार होगी इस तरीके से। देखिए हमने छेने को डाल दिया है, आप जितना कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसे अच्छे से हमें इसे पकाना है, ऐसे ही हम इसे सूखा करेंगे चलाते हुए। बहुत ही टेस्टी मिठाई बनके तैयार होगी इस तरीके से। हमें छोड़ना बिल्कुल नहीं है, हम लगातार ऐसे ही चलाते हुए इसे पका के तैयार करेंगे मिठाई को। देखिए अच्छे से इसमें उबाल आना स्टार्ट हो गया है। अब ऐसे ही इसे हम चलाते हुए सूखा करेंगे, आपको यकीन नहीं होगा, एक बार आप ज़रूर बना के देखें। बहुत ही सस्ती मिठाई है ये, और बहुत कम समय में कम चीज़ों से आप घर की रोटी से इसे बना सकते हैं, टेस्टी भी बहुत है। देखिए हमें लगातार चलाते हुए इसे हमें सूखा कर लेना है, सूखा कर लेंगे बहुत बेहतरीन मिठाई बनके तैयार होगी इस तरीके से। हमें अब लगातार चलाते हुए इसे सूखा कर लेना है। देखिए उछाल मारना, उछाल आने लगा इसमें, थोड़ा चूल्हे का पॉइंट कम कर देते हैं। अब इसे ऐसे ही हम चलाते हुए इसे सूखा करके तैयार कर लेंगे, बहुत ही टेस्टी मिठाई बनके तैयार होगी इस तरीके से। देखिए आपको यकीन नहीं होगा कि आपने दूध का मिल्क पाउडर बनाया या रोटी का मिल्क केक। देखिए बहुत तेज उछाल मार रहा है, हाथों पे बार बार आ रहा है। आपको यकीन नहीं होगा कि आपने रोटी से मिल्क केक बनाया है। देखिए ऐसे ही इसे हम चलाते हुए सूखा कर लेंगे, तैयार कर लेंगे मिठाई जमने तक। अब देख सकते हैं ये कैसे इसमें दाने पड़े हैं, बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होंगे ये। देखिए ऐसे ही हम चलाते हुए इसे सूखा कर लेंगे। देखिए हमने इसे लगातार चलाते हुए, जैसे हम लोग खोया तैयार करते हैं या पेड़ा बनाते हैं, वैसे हमने इसे लगातार चलाते हुए हमने इसे सूखा किया है। आप देख सकते हैं इसे जमने तक हमें अच्छे से इसे सूखा कर लेना है कि हम इसे अच्छे से सेट कर सकें। देखिए हमें इसे लगातार चलाते हुए अच्छे से हमें तैयार करना है। इसे हम थोड़ा सा निकाल के कहीं पे चेक कर लेंगे कि ये जम रहा है कि नहीं, क्योंकि गर्म है तो हम हाथ लगा नहीं सकते, ठंड का मौसम रहता है तो हम लोग हाथ लगा लेते हैं, गर्मी का सीजन है, कोई चीज़ छूएंगे तो बहुत तेज़ हाथ जो है मतलब चिपक जाता है। देखिए हमने इसे लगातार चलाते हुए अच्छे से, आप देख रहे थे हमने पहले दफ़ा मतलब इसे किया तो ये कितना पतला था, हमने इसे लगातार चलाया तो ये सूखा होना स्टार्ट हो गया है। देखिए इस तरीके से आप देख सकते हैं ये कितना बेहतरीन ये तैयार हुआ है। अब इसे हम ऐसे ही चलाते हुए अच्छे से हम इसे सूखा कर लेंगे, बहुत ही टेस्टी मिठाई बनके ये तैयार होगी।
देखिए ऐसे ही हमें सूखा कर लेना है लगातार चलाते हुए। इसे हमें जमने तक सूखा करना है कि हम इसे जमा सके। देखिए ऐसे ही हम सूखा कर लेते हैं। देखिए ये कढ़ाई छोड़ना स्टार्ट हो गया। इसमें हम घी डाल देते हैं, इसमें थोड़ा सा इसमें घी डाल देते हैं। घी डाल देने से मतलब जो मिठाई है उसका मतलब कलर जो है लाइट मतलब और बरकरार हो जाएगा, इसलिए हम इसमें एक चम्मच और हम इसमें घी डाल देते हैं। देखिए हमने एक चम्मच के अनुसार हमने फिर से घी डाल दिया। अब इसे अच्छे से हमें सूखा करके तैयार करना है। चलाते हुए हमें लगातार इसे सूखा कर लेना है। देखिए घी के साथ हमें अच्छे से इसे बहुत ही मतलब अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत बेहतरीन मिठाई बन के ये तैयार होगी, दानेदार एकदम। देखिए आपको लगेगा नहीं अगर आप खाएंगे इस तरीके से, आप जरूर बना के खाएं। त्योहार में तरह तरह की मिठाइयाँ बनती हैं, इस तरीके से आप रोटी की भी मिठाई बना के खाएं। रोटी बच जाती है तो बिल्कुल फेंके नहीं, इस तरीके से आप मिठाई जरूर बनाएं। ये जो मिठाई है देखिए इस तरीके से हमें इसे सूखा कर लेना है। आप देख सकती हैं ये कढ़ाई छोड़ना स्टार्ट हो गया है, थोड़ा भी पकड़ नहीं रहा है, लेकिन हमें जमने तक अभी थोड़ा और हम टाइट करेंगे और हाथों से लेके देख लेंगे गोली मतलब अच्छे से ये बन पा रही है कि नहीं बन पा रही है, उसके अनुसार हम इसे निकाल के जमाएंगे। हम ऐसे ही इसे चलाते हुए सूखा कर देंगे। देखिए इसमें हमने थोड़ा सा गड़ी का बुरादा डाला है, अब इसे हम चला देते अच्छे से। अब अच्छे से हमें इसे में इसको हम मिला देंगे। हमने पहले नहीं डाला कि ये कि ज़्यादा टाइम लगा देगा पकने में, हमने इसलिए गड़ी के बुरादे को लास्ट में हमने डाला। ये गड़ी का बुरादा अगर हम पहले डाल देते तो ये ज़्यादा मतलब रेसिपी लेते हैं तो ज़्यादा समय लग जाता है पकने में, इसलिए हमने लास्ट में डाला है। देखिए अब इसे मिलाने में थोड़ा भी टाइम नहीं लगा है, जल्दी मिल गया है ये। अब इसको हमने डाल दिया है, थोड़ा सा और सूखा करेंगे हम। देखिए बहुत अच्छे से ये तैयार हो चुका है, लेकिन थोड़ा और हम इसे सूखा कर लेंगे। ऐसे ही हम इसे चलाते हुए अच्छे से हम इसे सूखा कर लेंगे। बहुत बेहतरीन और ये टेस्टी तैयार होता है, देख सकते हैं ये हाथों में ये चिपक नहीं रहा है। तैयार तो अच्छे से हो गया है, लेकिन हम थोड़ा और इसे सूखा कर लेते हैं कि हम फटाफट इसे तैयार कर लें, झटपट, ज़्यादा समय ना लगे मिठाई बनाने में। देखिए आप देख सकते हैं ना कितना और बेहतरीन ये तैयार हुआ है, बहुत ही टेस्टी बनके तैयार हुआ है। इस तरीके से हमने इसे सूखा कर लिया है। अब हम चूल्हे को बंद कर देंगे, जो हमने बुरादा डाला था बहुत अच्छे से ये मिल गया है। देखिए बहुत अच्छे से ही मिल चुका है। अब हम चूल्हे को बंद कर देते हैं। अब इसे अच्छे से हम इसका मतलब शेप दे देंगे, जैसा मोटा पतला चौड़ा आपको चाहिए उसके अनुसार हम इसे साइज दे देंगे। देखिए अब इसे हम थाली में ले लेते हैं, हमने थाली ले रखी है। देखिए हमने इस पे घी लगा दिया है थाली में, आप देख सकते हैं हमने घी को अच्छे से लगा दिया है। अब इसमें हम निकाल लेते हैं। देखिए हमने इसे इसमें थाली में हमने निकाल लिया। अब अच्छे से इसे हमें सेट कर देना इस पे। देखिए ऐसे ही हम इसे अच्छे से हाथ नहीं लगाएंगे, अभी बहुत ज्यादा ये गर्म है। हम स्पून ले लेते हैं। देखिए अब इस पे का हम हटा लेते हैं, जो भी लगा हुआ है इसे हम वापस लेके फटाफट इसे सेट कर देंगे। चेक कर लेते हैं कि हाथ लग सकता है, लग जा रहा है। चलिए इसको हम हाथों की सहायता से अच्छे से हम इसे प्लेन कर लेंगे। देखिए हम इसे हाथ लगा ले रहे हैं, अभी गर्म है लेकिन हाथ जो है लग जा रहा है, इस पे हमें ऐसे ही से कर लेना है। देखिए साइड से भी हम इसे ऐसे ही
भी गर्म है, हाथ जल रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत इसे करते हुए हम ऐसे ही घुमा के ऐसे बराबर कर लेते हैं। देखिए हमने अच्छे से इसे सेट कर दिया है। अब इसे हम रख देंगे ठंडा होने के लिए। ठंडा हो जाएगा उसके बाद से हम काट के तैयार करेंगे मिठाई को। देखिए अभी बहुत ज़्यादा ये गर्म है, अभी नहीं हो सकता, हम एक घंटे के लिए रख दे रहे हैं। ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा क्योंकि गर्मी का सीजन स्टार्ट हो गया है, तो थोड़ा टाइम लगाएगा ठंडा होने में, तो हम इसे रख दे रहे हैं। देखिए ये जो मिल्क केक है वो रेडी हो चुका है। अभी हल्का हल्का सा गर्म है, लेकिन इस समय ही हम इसे काट लेते हैं। बहुत ही बेहतरीन ये मिल्क केक जो है बनके तैयार हुआ है। देखिए अब इसे हमें बीच से ऐसे ही हम इसे काट के तैयार कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी मिल्क केक जो है तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं ये नाइफ पे हल्का हल्का सा लग रहा है क्योंकि अभी अंदर गर्म है, मोटा है, और हमें थोड़ी जल्दी है इसलिए हम इसे काट रहे हैं। देखिए हमें ये साइड का जो है हटा देना है इस तरीके से। देखिए अब इसे हमें ऐसे ही करते हुए मिल्क केक को हमें काट के तैयार कर लेना है। बहुत ही बेहतरीन ये टेस्टी मिठाई बनके तैयार हुई है। आप देख सकते हैं, आपको यकीन नहीं होगा, रोटी से हमने इतनी टेस्टी मिठाई बना के हमने तैयार कर लिया है। अभी थोड़ा गर्म है इसलिए थोड़ा चिपचिपापन मतलब इसमें लगा हुआ है। जब हम दुकान पे जाते हैं तो बहुत ही बेहतरीन मत अच्छा लगता है। हम लोग मिल्क केक खरीदते हैं हमेशा, मतलब जब बच्चों को मन होता है तो मिल्क केक, और तो हम ज़्यादातर क्या करते हैं, हम लोग घर पे ही बना लेते हैं। पहले क्या होता था, जब बच्चे जीत करते थे तो मिल्क केक हम लोग ले लिया करते थे दुकान से। अब हर चीज़ उपलब्ध है, हम लोग घर पे खुद बना लेते हैं। देखिए ऐसे ही काट के हम इसको हम तैयार कर लेंगे। देखिए देखिए हमने काट के तैयार कर लिया है। अब इसे हमने प्लेट ले रखा है। आप देख सकते हैं कितना मतलब बेहतरीन ये जो है मिल्क केक बनके तैयार हुआ है। हमने प्लेट ले लिया है। देखिए हम प्लेट में निकाल लेते हैं सारे को। देखिए सारे को हम प्लेट में ले लेते हैं। देखिए हमने अच्छे से इसे काट के तैयार कर लिया है। अगर आपको रेसिपी समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए हम मिठाई को तोड़ के दिखाते हैं कि कितनी बेहतरीन ये बनके तैयार हुई है। देखिए लग रहा है ना, ये बिल्कुल मिल्क केक है।